कैब से बाहर निकली तो क्या देखा कि ये तो यहाँ पर आग लगाए बैठे हैं। सर्दी बहुत थी यकीनन, लकड़ियाँ तो अपनी जगह ठीक थीं, इसमें प्लास्टिक भी जला रहे हैं और इसमें वो कुछ जला रहे थे। मैं तो हैरानी हो गई और उनको बताया मैंने कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपने ही किस्से सुनाने लग गए। मैं क्या कहती, बरकैफ मुझे परेशानी भी थी और फिर मैंने रुक के कोशिश की कि मैं बताऊं कि ये कितने मुजरे सेहत हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबी जी वी नाउ गोइंग विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बस आज का दिन भी एक बड़ा मुश्किल दिन लग रहा है, इसलिए चूंकि कल से मालूम हुआ है कि खाला की कुछ तबीयत खराब है, कुछ वो कंफ्यूज हैं और कोई उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, इसलिए आज दिन उन्हीं के साथ गुजरेगा। दोस्तों आज मजलिसे तरक्की अदब में मुर्तजा बिरला साहब की आज 90th बर्थडे थी और वो मना रहे थे सब, लेकिन क्या हुआ कि मुझे आज मेरी खाला की तबीयत खराब थी, सो सुबह वो लेके गए। अब मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनकी सर्जरी काम कर रहे हैं अरेंज, तो वो करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं मुर्तजा बिरला साहब से और अब्बास तावी से तो बात कर ही लूंगी। दुआ कीजिए कि मेरी खाला की तबीयत बेहतर हो। अभी मैं यहाँ पे अलनूर पे आई हूँ उनका वो करवाने के लिए, क्या होता है सिटी स्कैन, फिर मैं गई थी वहाँ पे वो हॉस्पिटल यहाँ पे लोकल है। थैंक यू, हाँ जी दे दें। तो वो अब बीच में मुझे लग गई भूख, खान से बनवाई है और वो शॉपर लेके आ रहे हैं, तो ये खान जी ने मुझे शॉपर दिया पूरा दिन। आज बस भूकम भूख में मेरा ये रहा। तो लैब से बाहर निकली तो क्या देखा कि ये तो यहाँ पर आग लगाए बैठे हैं। सर्दी बहुत थी यकीनन, लकड़ियाँ तो अपनी जगह ठीक थीं, इसमें प्लास्टिक भी जला रहे हैं और इसमें वो कुछ जला रहे थे। मैं तो हैरानी हो गई और उनको बताया मैंने कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपने ही किस्से सुनाने लग गए। मैं क्या कहती, बरकैफ मुझे परेशानी भी थी और फिर मैंने रुक के कोशिश की कि मैं बताऊं कि ये कितने मुजरे सेहत हैं। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद ये हमारी खाला जो थी ये अल्लाह को प्यारी हो गई और हमसे जुदा हो गई। इनकी यादें हमारे साथ हैं, इनकी कुर्बानियाँ, इनकी मोहब्बत, इनका सब कुछ हमारे साथ है और ये हमारी सबकी आइडियल हुआ करती थी और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी। लेकिन इस दुनिया में कौन रुकता है, सबको जाना है और वो भी हमसे जुदा हो गई। बस इसी में अब सब अजीज़ अकारीब और उनकी कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं, सब बैठे हैं और हम सब उदास हैं। चले बार तो मिल लो गले, बिछड़ हम चले, मिलन तेरा याद रहे। एक बार तो मिल लो गले, बिछड़ हम चले, मिलन तेरा याद रहे। धीरे धीरे दिन ढले, जिगर मेरा जले, मिलन तेरा याद रहे। आएगा आँख से दूर सही, आँख से दूर सही, दिल से कहाँ जाएगा। जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आमीन। करना जब वक्त नजाए, दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा, जिस दम इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। कुर्बत को मेरी रोशन लिल्लाह हज़रा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना।
है सबक गुंबद वाले मंजूर दुआ कर और आज उनके कुल भी हो गए। और ये जो उनकी कजन यानी कि ये भी मेरी खाला, ये उनकी दोस्त थी बचपन की, ये किस तरह रो रो कर उनके लिए अपने अपने अंदाज में याद और मोहब्बत को पेश कर रही थी। माए नी मकिनू अखां दर्द विछोड़ दहा